वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देखने वाले हैं। दोस्तों झारखंड में जो बेरोजगारी की समस्या है ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब जो है भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से जो टॉप राज्य हैं बेरोजगारी के मामले में उस लिस्ट में अब झारखंड का स्थान आ चुका है। दोस्तों तो आइए इस बारे में हम लोग पूरी अपडेट देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें ताकि आने वाले सारी अपडेट आपको सही वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने आज का न्यूज़पेपर ऑन करके रखा हुआ है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाले जो राज्य हैं उसमें सबसे पहले स्थान पर दोस्तों अभी हरियाणा है। यहाँ मार्च में जो बेरोजगारी की दर है वो 26.8% रही है। इसके बाद बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और चौथे स्थान पर सिक्किम, पाँचवें स्थान पर जो है बिहार है, उसके बाद छठे स्थान पर दोस्तों अब झारखंड आ चुका है। ये पहले बहुत पीछे थी बेरोजगारी के मामले में लेकिन अभी सबसे जो है टॉप लिस्ट में आ चुका है। दोस्तों इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, आइए दोस्तों इसको विस्तार में समझते हैं। मार्च में देश में जो बेरोजगारी की दर थी वो पिछले 3 माह के उच्च स्तर पर यानी 7.8% रही थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIEE के डाटा के अनुसार दिसंबर 2022 में बेरोजगारी दर जो है 8.5% पहुँच गई थी, जो जनवरी और फरवरी में गिरकर 7.5% पर आ गई थी। CMIEE के अनुसार पिछले महीने शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी 8.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5% रही थी। जहां झारखंड की बात है तो यहां मार्च में 17.6% दोस्तों बेरोजगारी के मामले आप देख सकते हैं, बेरोजगारी का जो डाटा है वो 17.6% बेरोजगारी की दर रही थी जो कि बहुत ज़्यादा है। दोस्तों देख सकते हैं पूरे देश की बेरोजगारी जो है वो 7.8% जो है अभी मार्च में देखी गई है उससे कितनी ज़्यादा है। मार्च में 17.6% झारखंड में बेरोजगारी की जो है दर रही है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि झारखंड में अभी बेरोजगारी की समस्या कितनी ज़्यादा है। दोस्तों दोस्तों यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से जो टॉप राज्य हैं बेरोजगारी के मामले में उसमें अब जो है झारखंड छठे स्थान पर आ चुका है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी की दर झारखंड में कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये किस कारण से हुई है बेरोजगारी झारखंड में इतनी ज़्यादा, ये राजनीति का मामला है लेकिन जो भी हो इसमें जो है सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और जो है जितने भी झारखंड में न्यूज़ रिपोर्टर हैं या न्यूज़ चैनल हैं उनको भी इस मामले में सारी चीज़ें बतानी चाहिए, ये सारी न्यूज़ दिखाने चाहिए ताकि जो झारखंड सरकार है उसके पास ये सारी न्यूज़ पहुँचे और जो है इस पर कोई कार्रवाई करे। झारखंड में जो वैकेंसीज है उसको निकाले, बहुत सारी अभी वैकेंसीज खाली है झारखंड में जिसको भरा जाना है। अगर वो सही समय पर भरी जाएंगी तो ये जो जितने भी मतलब बेरोजगारी की समस्या है लगभग कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अभी झारखंड में कितने मतलब महीनों से या कहें कितने सालों से कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई है और अगर कोई वैकेंसी आती भी है तो उसको रद्द कर दिया जाता है। तो दोस्तों बस यही थी अपडेट। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं उसको शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।